मिलिए मुंबई के जुनूनी हेयर स्टाइलिस्ट और अनम मेकओवर के संस्थापक अनम सिद्दकी से, जो अपनी उद्यमशीलता यात्रा साझा करती हैं। अनम सिद्दकी ने डीएन नगर अंधेरी में मेट्रो स्टेशन के ठीक बगल में एक नई मेकअप अकादमी और सैलून खोला है। ये सर्वविदित तथ्य है कि मेकअप सभी महिलाओं के लिए एक बुनियादी सहायक है। मेकअप कलाकार और हेयर स्टाइलिस्ट समुदाय में आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं। इन पेशेवरों ने लाखों लोगों में आत्मसम्मान बढ़ाया है और अनगिनत विशेष आयोजनों में उत्साह बढ़ाया है, क्योंकि वे अपने ग्राहकों की उपस्थिति बढ़ाने के बारे में भावुक हैं। लोग इन्हें शादी समारोह आदि के लिए किराए पर लेते हैं। यह आश्चर्यजनक है कि मनोरंजन क्षेत्र से लेकर कॉरपोरेट क्षेत्र तक मेकअप उद्योग दिन ब दिन कैसे बढ़ रहा है। मेकअप आर्टिस्ट के इनपुट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वे आपको खूबसूरत दिखाने के लिए काफी मेहनत करते हैं अपनी श्रृंगार कला से। मेकअप कलाकार सुंदरता और लालित्य की आदर्श परिभाषा है। उन्होंने अपनी कला में महारत हासिल कर ली है और ये सुनिश्चित करने के लिए बहुत प्रयास किए हैं कि कई लोग आकर्षक दिखें। हर महिला का सपना होता है कि वो अपनी शादी के दिन सबसे खूबसूरत और तेजस्वी दिखे। हेयर स्टाइलिस्ट की नौकरी उन लोगों के लिए एक करियर विकल्प के रूप में देखी जा रही है जो इसकी इच्छा रखते हैं। आज हमारे देश के कोने कोने से सभी सुविधाओं और सुख सुविधाओं से युक्त हेयर ड्रेसिंग सैलून मौजूद हैं, जिस पेशे में पहले एक निश्चित समुदाय को जोड़कर किसी ने भी प्रयास नहीं किया था। अब पाठ्यक्रम प्रशिक्षण के बाद हेयर स्टाइलिस्ट के इच्छुक उम्मीदवारों द्वारा इसे अपनाया जा रहा है। मिली अनम सिद्दकी से, जो अपनी खूबियों के आधार पर एक भावुक और समर्पित हेयर स्टाइलिस्ट हैं। वो अनम मेकओवर नाम और स्टाइल से हेयर स्टाइलिस्ट सैलून चलाती हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों की हेयर स्टाइलिस्ट हैं और वो पिछले 2 दशकों से सौंदर्य और हेयर स्टाइलिंग की पेशे में हैं। अनम ने 2010 में एमराल्डे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेयर एंड ब्यूटी में ट्रेनर के रूप में शुरुआत की। उन्होंने हेयर स्टाइलिंग उद्योग की अग्रणी मरियम जवेरी के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उन्हें 2010 में बैच के सर्वश्रेष्ठ छात्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। विशेष रूप से ये उनकी रुचि, महत्वाकांक्षा, जुनून और समर्पण है जिसने उन्हें उसी संस्थान में ट्रेनर के रूप में योग्य बनाया है जो हेयर स्टाइलिंग और इसकी तकनीकों के लिए शुरुआती लोगों को प्रशिक्षित करता है। ये उद्धृत संस्थान है जहाँ से उसे आत्मविश्वास प्राप्त हुआ। 2 साल के बाद उसने सितारों की टोली में जाने के लिए एमराल्डे को छोड़ दिया। उन्होंने आगे अंतर्राष्ट्रीय हेयर स्टाइलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट, रूसी हेयर स्टाइलिस्ट जॉर्जी कोट, उनकी प्रेरणा और सोची रूस के गुरु के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किया। शिक्षा में न तो उम्र की कोई सीमा होती है और न ही कोई सीमा। उन्होंने आगे चलकर अजरबैजान से शफाक जेसियस व्रूज के तहत प्रशिक्षण लिया और अतायेव ओएबेक उज्बेकिस्तान के चैंपियन से। उसके बाद अनम ने उद्यमिता में हाथ आजमाने का फैसला किया और अपनी खुद की अकादमी खोली, जहाँ से वो भारत, श्रीलंका, दुबई, बांग्लादेश, मलेशिया, पाकिस्तान और नेपाल के वैश्विक छात्रों को प्रशिक्षित करती हैं। उनका मुख्य उद्देश्य शुरुआती लोगों को अंतर्राष्ट्रीय हेयर स्टाइलिंग, रूसी तकनीकों से युक्त बुनियादी से लेकर उन्नत तक व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षण प्रदान करना है, और वो ये सुनिश्चित करती हैं कि प्रशिक्षण के अंत में उनके छात्रों को आत्मविश्वास के साथ पेशेवर रूप से प्रशिक्षित किया जाए। वो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती हैं क्योंकि ग्लैमर इंडस्ट्री ने उन्हें इतनी शोहरत, नाम और सम्मान दिया है। फिर भी वो प्रत्येक छात्र के प्रति समर्पण, व्यक्तिगत ध्यान और स्पर्श के साथ ज्ञान, अनुभव और तकनीकों को साझा करना जारी रखेंगी। ये सचमुच कहा जाता है कि अनम स्काई के लिए ये सीमा है।